आज हम करेंगे चैप्टर हेलो एल्गीन्स और हेलो एरीज। इसमें हमारे पास दो रिएक्शन आती है, एक आती है SN1 SN2। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो है VVIP टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं SN1। SN1 का क्या मतलब होता है? यूनि, मतलब वन। तो मतलब ये क्या है? यूनि मॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल जो होगा वो इसमें रिएक्ट करता है। ये देखो इसमें क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। RX बॉन्ड कैसा होता है? R पे जो है पार्शियल पॉजिटिव, X पे नेगेटिव चार्ज आता है। न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर तो हमेशा ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो किस पे अटैक करेगा? वो करेगा पॉजिटिव पे। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये बन के क्या आ जाएगा? RNU प्लस X माइनस बाहर कर दिया। ये कौन सा है? एक सॉल्वेंट के अंदर होगा। इसमें क्या करते हैं? सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये दो स्टेप प्रोसेस है, पहले बनेगा कार्बोकेटायन, फिर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि हमने सॉल्वेंट चूज करा है। ये देखो पहले हमारे पास ये चार बॉन्ड्स थे, तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो क्या हुआ, इस पर आया, ये इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर और X माइनस इस पर। और ये जो है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे सबसे स्लो स्टेप होता है ये। आगे कौन सा हमारे पास? स्टेप टू है। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया सॉल्वेंट से, ये अटैक करा, प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, तो ये आ गए चार बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसमें क्या मिलता है हमें? रेसिमाइजेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि उसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। तो मतलब ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि 50-50 का रेशियो है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखो इसमें जो है टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आते हैं। और आई जो है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आई का होता है, तो इसी की वजह से RI का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RBR, फिर RCl, फिर RF। इसका ऑर्डर क्या होता है? 1, यूनिमॉलिक्यूलर है, 1 रहेगा इसका। अब अगर हम बात करें SN2 की, SN2 क्या है? बाई मॉलिक्यूलर है, 2 RN है 2 है। और इसमें जो होता है NU जो है करा रिएक्ट, तो RNU सेम ही रहता है ये वाला। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड जो होता है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए होता है बाई मॉलिक्यूलर। ये जो है किस पे डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा। और ये जो था सिर्फ RX पे कर रहा था, क्योंकि ये कौन सा था? यूनि मॉलिक्यूलर। अब वो जो है वो बाई मॉलिक्यूलर है, तो फिर वो RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है 5 कार्बन एटम की, मतलब कि कार्बन के जो है 5 बॉन्ड बनेंगे। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे कार्बन के एक और बॉन्ड बन जाते हैं, तो 5 बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करते हैं, और इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब ऑपोजिट, पहले कार्बन यहाँ था, फिर कार्बन यहाँ हो गया न्यूक्लियोफाइल के साथ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया इसमें। ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है 5 कार्बन के बॉन्ड्स कैसे बने हैं, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, एक हैलोजन के साथ, 3 जो भी उसके होगा। आगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेरिक राउंडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब प्राइमरी सबसे रिएक्ट है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसे ही सेम रहेगा। RI सबसे, फिर RBR, फिर RCl, फिर RF। इसमें जो है कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ऑर्डर इसका 2 रहता है, और 2 मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है ये होती है बाय मॉलिक्यूलर। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे हैलो प्लस एल्केन, हैलो एल्केन मतलब कि हैलोजन होगा और सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्केन वाला आ जाएगा। ये देखो इसमें जो है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, उसको हम कहते हैं हैलो एल्केन। जैसे कि CH4 था, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? CH3Cl, तो ये क्या है? हैलो एल्केन। और इसमें जो है CX बॉन्ड देखो ये कैसा होता है, सी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन है, ये हैलोजन है। हैलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक करता है, हमेशा कार्बन पे करेगा। इनके बीच में जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। साइज देखो, सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यू इंटू में डी, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। ये देखो ये क्या है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो रहा है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें कि मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में जो है हमेशा पेरोक्साइड आएगा और मार्कोनिक ऑफ रूल में नॉर्मल रहता है HBr या फिर HCl वगैरह। इसमें जो होता है H प्लस है और HBr है, तो एक जो का अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की, तो H जो है वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन इधर आया, ब्रोमीन इधर आया। ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है, रिच गेट्स रिचर, मतलब कि रिच गेट्स रिचर। तो उसमें क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हमारा हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन जो है फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन ये रहा, ये इधर गया ज़्यादा हाइड्रोजन पे, फिर Br पे इधर आ गया। ये देखो पेरोक्साइड का वही बात है कि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी भी कम है और यहाँ पे Br आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया पेरोक्साइड की। उसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फ्रॉम एल्कोहल, उसमें क्या होगा, हम OH को हटाएंगे और हेलोजन को लगाएंगे। अगर ROH है उसमें मैंने थायोनिल क्लोराइड डाला तो RX बना हेलो एल्केन। इसमें SO2 और HCl बना एज अ गैस। ये जो होता है बेस्ट होता है क्योंकि इसमें जो है बाय प्रोडक्ट जो है गैस है, तो इजी सेपरेट करना होता है। ये देखो एक और इसमें जो है रिएजेंट है, अगर हम एल्कोहल लिया उसमें NaBr और H2SO4 डाला तो CH3CH2Br आ गया। अगर हैलोजन एक्सचेंज की बात करें, इसमें हम बनाते हैं आइडो एल्केन्स और फ्लोरो एल्केन्स। इसमें क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में जो होता है फ्लोरीन का काम करते हैं और फ्लोरो एल्केन बनाते हैं, मतलब कि RCl या फिर RBr होगा। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड में हम AgF या फिर Hg2F2 डालते हैं, उसको हीट करते हैं, फिर हमें मिलता है एल्काइल फ्लोराइड। ये देखो रिएक्शन विथ AgCN और KCN। AgCN जो होता है वो कोवेलेंट होता है और KCN जो होता है वो आयनिक होता है। तो AgCN हमेशा AgCN के साथ NC बनेगा और KCN के साथ CN लगेगा। ये देखो ये एक हैलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हैलोजन है डाई हेलो एल्केन, तीन हैलोजन है ट्राई हेलो एल्केन। ये जो है ये प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन है बॉन्डेड। ये जो है सेकेंडरी है क्योंकि देखो एक दो कार्बन है बॉन्डेड। ये जो है तीनों से एक दो तीन टर्शरी, सेकेंडरी प्राइमरी। ये कौन सा है, फ्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, हैलोजन प्लस एरीन की रिंग। एरीन की रिंग कौन सी होती है, बेंजीन वाली रिंग, ऐसे वाली। इस पर हैलोजन आ गया Br या फिर Cl या फिर F या फिर कोई कुछ भी आयोडीन वगैरह। ये देखो ये इसका अगर मैं आयु पैक नेम देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1.3 डायब्रोमोबेंजेन। इसका देखो 1.3.5 ट्राईब्रोमोबेंजेन, ट्राई क्योंकि तीन ब्रोमीन है। ऐसे इसका करने की कोशिश करो, तो 1, 2, 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढो। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई हमें, तो कर दो यहाँ पे 1 क्लोरो 2.2 दो मिथाइल डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यह हो गया हमारा। ये देखो इसमें जो है मैंने अल्कोहल जो है उसको PCl3 के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन। अगर प्रिपरेशन की बात करें कैसे बनाते हैं हम हेलो एल्केन, एल्केन से बनाते हैं, एल्कीन से बनाते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं और एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। इसमें तो देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि Na के साथ ड्राई ईथर के साथ कैसे रिएक्ट होता है, ये जो है Cl है इसके साथ जो है बायफिनाइल, इसको आप कैसे याद रखोगे, ये जो है ये बॉन्ड है, इसको आप तोड़ो बॉन्ड को, दूसरा जो है हमारा यहाँ पे लाओ, अगर ये दूसरा जो है ऐसे है इसको भी तोड़ो, दोनों को जॉइन कर दो, तो ये बायफिनाइल बन गया।
ये देखो ROH प्लस PX3 है तो RX बन गया। अगर मैं बात करूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो उसमें कौन से आते हैं हमारे, PCC, CrO3, कॉपर, और स्ट्रॉन्ग में KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ये देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें RX प्लस NaI ड्राई एसीटोन के अंदर लेते हैं तो RI और NaX मिलता है हमको। आगे हेलो एरीन्स कैसे बनेगा, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट या फिर एरीन से बनेगा। इसमें जो है एनिलीन जो है उसको हम NaNO2 प्लस HX के साथ रिएक्ट करके N2X- बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में CO2X2 डाल दूँगी तो X2 बन जाएगा, HBF4 के साथ हीट कर दूँगी तो फ्लोरोएरीन बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन जो होती है क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें SN1 और SN2 आ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें एम्बिटेंट न्यूक्लियोफाइल, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें AgCN KCN वगैरह का आ जाता है, NO2 और ONO का आ जाता है। आगे सेट्ज़र्फ रूल क्या होता है, इसमें जो होता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाओगे, RX जो हेलो एल्केन होगा उसमें मैग्नीशियम डाल दोगे तो हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या होता है, एल्केन मिलता है हमको और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड मिलता है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, दो ये वाली मैं आपको बता चुकी हूँ, RX लो दूसरा RX लो, दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक करो और दोनों को जॉइन कर दो तो क्या बन गया, RRLK। वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी ऐसे ही होगा, RX लो और दूसरा जो है हेलो एरीन ले लो, दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक करो, दोनों को एक दूसरे से जॉइन कर दो जहाँ से ब्रेक करा है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। आगे अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हेलो एल्केन जो होता है वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा हर किसी के लिए मोलिकुलर मास के डायरेक्टली होता है और ब्रांचिंग के इन्वर्सली होता है। स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ में RH सबसे स्टेबल, फिर RCl, फिर RBl, फिर RI। RI क्यों, क्योंकि RI का जो होता है मोलिकुलर वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आइडोएरीन्स का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरोएल्केन्स का। देखो RX को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो ROH और NaX बना, NaCN के साथ कराया तो RCN बना, ये कौन सा है, आयनिक है, जो मैं बता चुकी हूँ। अगर इसको आप KCN के साथ कराओगे तो भी सेम आएगा, AgCN है तो NC आएगा, RX AgNO2 है तो NO2 आएगा, KNO2 है तो NOONO आएगा। ऐसे ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, RX और RONA है, और इसमें क्या होगा, RO R बॉन्ड आ जाएगा, मतलब कि NaX जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब अगर अल्कोहल से हमें हेलो एल्केन बनाने तो हम HX और जिंक क्लोराइड, मतलब कि ल्यूकोस रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन। अगर एल्कीन जो है उसको हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट में मैंने कॉपर क्लोराइड और KCl डाल दिया, सैंड में रिएक्शन हो रही है, बाकी गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर HCl डाला, कॉपर HBr डाला तो गेटरमैन रिएक्शन हो गई। अगर वॉर्म कर रही हूँ H2O के साथ तो फिनॉल बन गया, KI जो है जस्ट I बन गया, ये क्या है हमारे पास, फिनॉल होता है ये। अगर मैं बात करूँ ROH के साथ मैंने PX3 डाला तो RX प्लस H3PO3 आया, ये नीट 2024 का क्वेश्चन रहा है कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये दो, ये R4 में आया था क्वेश्चन। अगर हम आगे देखें ROH का, अगर मैं रेड फॉस्फोरस और डायहलोजन के साथ कराऊं तो RX और X2 के साथ रिएक्शन होगा, ल्यूकोस टेस्ट के साथ RCl हो जाएगा। टर्शरी जो है इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी टर्बिडिटी 5 to 10 minutes देगा, और प्राइमरी जो है नहीं देता है टर्बिडिटी, उसको हमें हीट करना पड़ता है। एलाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं डबल बॉन्ड के, ये वाले कार्बन होते हैं, विनाइलिक ये वाले होते हैं, जो हमारे एलाइलिक होंगे वो SP3 होंगे, विनाइलिक SP2 होंगे,
हाइड्रोकार्बन्स पे अगर हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मतलब Cl2H2 के साथ रिएक्शन कराते जाएंगे तो हमेशा एक एक कार्बन ऐड होता जाएगा और ऐसे हमें फाइनल प्रोडक्ट में ये मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हमारे पास बेंजीन है उसको डायहेलोजन और एफी डार्क के साथ कराएंगे तो एक्स लग जाएगा उसके साथ। अगर टॉल्यूइन है तो उसके साथ क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। फिर अगर CHO-aldehyde है तो फिर CHO-Cl हो जाएगा। ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। डाइपोल मोमेंट जो है CHCl का सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरिन का, फिर ब्रोमिन का, फिर आयोडीन का। रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो आ जाएगा प्लस मूवमेंट, एंटी है तो फिर लीवो और माइनस में आ जाएगा। सुपर इम्पोजिबल मतलब कि डायरेक्ट हो रहा है, अगर मैं ये वाली लूँ इमेज तो ये सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। और अगर हम बात करें इनांशियोमर्स की, इनांशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होती है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अगर हम आगे बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, उसमें जो है क्लोरोबेंजीन को अगर मैंने डाइक्लोराइन के साथ रिएक्ट कराया तो पैरा पे जो है वो मेजर होगा। ये पैरा होता है, ये मेटा होता है, ये ऑर्थो होता है, तो पैरा पे जो है मेजर बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड SNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगेन NO2 पे जो है मेजर बनेगा पैरा पे, ऑर्थो माइनर। अगर H2SO4 है तो फिर पैरा पे मेजर और SO3H ऑर्थो पे माइनर। एल्काइलेशन में क्या होता है, हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 आता है तो CH3 इस पर अटैक कर देता है और CH3 पैरा पे मेजर। ऐसी यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये रिएक्ट करा के ये बनेगा और पैरा पे मेजर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर है। दिस इज़ इनफ फॉर बोर्ड्स प्लस नीट के PYQs आपको आराम से हो जाएंगे इससे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक